लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। कुछ ना खाने की वजह से आपको कमजोरी और थकान महसूस होती है, इससे बचने के लिए आप साबूदाना का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि साबूदाना व्रत में खाया जा सकता है। व्रत में अपने आप को कमजोर करने के बजाय साबूदाने का सेवन कर ले, इससे आपका व्रत भी नहीं टूटेगा और आपको कमजोरी भी नहीं आएगी। साबूदाने के सेवन से आपके वजन को बरकरार रखेगा और पेट से जुड़ी समस्या भी नहीं होगी। साबूदाने में मौजूद पोटेशियम से आपका ब्लड सर्कुलेशन सही रखता है और पोटेशियम कार्डियोवैस्कुलर सेहत के लिए लाभकारी होता है। इससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। साबूदाने में ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट उपस्थित रहता है, जिससे शरीर को भरपूर ताकत मिलती है। साबूदाने में फोलिक एसिड और विटामिन बी होता है, जो कि गर्भवती महिलाओं के लिए फायदेमंद होता है। यहाँ तक कि गर्भ में पल रहे बच्चे के विकसित के लिए भी जरूरी होता है। प्रेगनेंसी में साबूदाना खाने से गर्भस्थ शिशु को कई बीमारी से दूर रखता है और महिला को भी भरपूर ताकत देता है। व्रत में खाली पेट रहने से गैस और कब्ज जैसी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। साबूदाना खाने से आपको इस परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा और हाजमा भी सही रहता है।